वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान खुद के बदले होने के लाख दावे कर रहा है, लेकिन वहां की आम जनता को उस पर विश्वास नहीं है। यही वजह है कि लोग किसी भी तरह मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग फ्लाइट के इंतजार में हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ महिलाएं एयरपोर्ट में घुसने के लिए अमेरिकी सैनिकों से गुहार लगा रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। दरअसल काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अमेरिकी और नाटो देश की सेनाओं ने बैरिकेडिंग की हुई है। ये सभी सिर्फ अपने देश के नागरिकों को तवज्जो देकर बाहर निकाल रहे हैं। इसी बीच कुछ अफगानी महिलाएं एयरपोर्ट में आने देने की गुहार लगा रही हैं। चीखते हुए महिलाओं द्वारा मदद के लिए चिल्लाया जा रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है कि महिला रोते बिलखते हुए कह रही हैं कि हेल्प, तालिबानी आ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिकी सैनिक ने दरवाजा नहीं खोला। काबुल एयरपोर्ट पर करीब 50,000 से ज्यादा अफगानिस्तानी मौजूद हैं, जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो यहाँ रुकते हैं तो तालिबान के जुल्म का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन किसी भी अफगानी के लिए अफगानिस्तान छोड़ना मुश्किल है। अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाएं सबसे पहले अपने नागरिकों और उनके मिशन में मदद करने वालों को बाहर निकाल रही हैं। तमाम देशों के सैनिक एयरपोर्ट पर जुटे हैं और अपने अपने देश से आ रहे प्लेन में लोगों को बैठाकर भेज रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कितने बुरे हालात हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते दिनों अमेरिकी सैनिकों द्वारा भीड़ को काबू में करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसके कारण वहां पर भगदड़ मच गई थी। इस पूरी घटना में करीब 40 लोगों की जान भी चली गई थी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।